उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी हुई थी, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में दूल्हों के बिना ही दुल्हनों की शादी करा दी गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ दुल्हन खुद ही वरमाला पहन ले रही हैं। फिलहाल मामले में FIR दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार 51,000 रुपए देती है। हर जिले में इसका आयोजन होता है। इसी क्रम में बलिया जिले में 568 जोड़ों की शादी कराई गई थी, लेकिन अब इसमें फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया है। सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हों की ही शादी करवा दी गई। कई सारी दुल्हनों ने तो अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला को डाल लिया। बुरके में आई कई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथ से ही वरमाला डाली। पूछने पर पता चला कि इनमें से कई सारी लड़कियां घूमने फिरने के लिए आई थीं, जिन्हें पैसों का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बैठा दिया गया, ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसे ले लिए जाएं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया है। मामले में बांसी विधानसभा से भाजपा की विधायक केतकी सिंह ने कहा है कि घटना संज्ञान में है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, या गरीबों के साथ खिलवाड़ है। जिला प्रशासन ने भी जांच टीम गठित कर दी है, FIR के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस मामले में CDO ने कहा है कि 20 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को तत्काल रोक दिया गया है। अभी तक 20 पात्रों की जांच में 8 लोग फर्जी पाए गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और रिकवरी भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।